हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी कुकिंग हिंदी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ प्याज की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी प्याज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ प्याज लिए हैं, आप बिल्कुल मीडियम साइज के यहाँ पे प्याज आप ले सकते हैं। इसको जो है हम लोगों को क्या करना है कि प्याज से जो है बीच में चीरा लगाना है। एक चाकू की मदद से आपको बीच में जो है इसको आधा आधा जो है डिवाइड करना है, जो कि अलग ना हो, एक ही साथ जुड़े रहें। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो है इसके बीच में से जो है एक चीरा लगाऊँगी, जो कि हमें बाद में जो है इसमें मसाले जब हम लोग डालें तो ये आसानी से जो है इसमें मसाले अंदर चले जाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक तरफ का जो है लगा दिया है कट का निशान, और जो है दूसरी तरफ से हमें कट का निशान लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने जो है चारों तरफ से कट का निशान लगा दिया। इसमें जो है थोड़ी सी कैप हो चुकी है, जिसमें जो है हम लोग मसाला को ऐड कर देंगे। और यहाँ पे जो ऐसे ही करके मैं सारे में कट का निशान लगा देती हूँ। सारे में जो है हम एक कट का निशान लगा लेंगे, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी से लग जाता है। इसे इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा नीचे तक ना लगाएं, वरना जो इसका मसाला होता है वो सारे तेल में गिर जाते हैं। तो इसे बिल्कुल ईजी तरीके से लग जाता है। अब जो है यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है और मैं एक चम्मच जो है हल्दी पाउडर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चम्मच जो है हमें हल्दी लेना है, एक चम्मच मैंने जो है जीरा पाउडर लिया है, यहाँ पे मैं एक चम्मच जो है आमचूर पाउडर लूँगी। अगर आमचूर पाउडर आपके पास नहीं है तो जलजीरा का भी यूज कर सकते हैं आप। और एक चम्मच जो है मैंने नमक लिया है। इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हमें बिल्कुल इसमें पानी ऐड नहीं करना, बिल्कुल सूखे ही इसको मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर दे रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है हमारे जो प्याज हैं इसके अंदर जाएंगे। तो जो इसमें जो है हम लोगों ने कट का निशान लगाया है उसमें हम इसको भर देंगे। बिल्कुल ईजी तरीका है, इसे आप बिल्कुल अपने घर पे एक बार ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो है इसमें भरना स्टार्ट कर दी हूँ बिल्कुल, और एक चाकू की हेल्प से इसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके हमें जो है हमें बिल्कुल ईजी तरीके से भरना है। आप चाकू का भी यूज कर सकते हैं, अपने हाथों का भी यूज कर सकते हैं, फिंगर का भी यूज कर सकते हैं। जिस चीज़ में आपको भरने में आसानी हो आप उस चीज़ का यूज कीजिए। मुझे चाकू अच्छा लगता है, चाकू से ये इजीली जो है इसके अंदर तक पूरे चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही हम सारे पीस को ऐसे ही भर के रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस को जो है इसके अंदर तक पूरे अच्छे से भर दिया है। ये जो थोड़ा सा बच जाता है इसको हमें वेस्ट नहीं करना है। इसमें जो है हम आपको बताते हैं बाद में इसको क्या करना है, इसे साइड में रख दीजिए आप तब तक। और एक जो है कढ़ाई में यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, और इस ऑयल को जो है हम गरम, हाई गरम नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको गरम करना है। और इसमें एक एक करके जो है सारे प्याज को अच्छे से डाल देना है हमें। तो ये जो है हमारे जो फ्राई अच्छे से हो जाते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से फ्राई हो जाते हैं। और आप इसे एक बार अपने घर पर बना के ट्राई कीजिएगा, खाने में भी बिल्कुल अच्छा लगता है और इसका जो स्वाद है बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट जैसा मिलता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप अभी कर देते हैं तो बाद में नहीं भूलेंगे, वरना वीडियो देखने के बाद हम जो है लाइक करना भूल जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने दो टमाटर लिए थे इसे मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया था, इसका बिल्कुल ईजी पेस्ट लिया था मैंने। और यहाँ पे जो है दो प्याज लिए थे, दो प्याज को भी अच्छे से मिक्सी ग्राइंडर में पीस के इसका पेस्ट बना लिया था। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया था। यहाँ पे मिर्च को जो है मैंने सीधे सीधे काट ली थी, आपको जैसे पसंद वैसे काट के रख लीजिए। ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, इसलिए मैंने ऐसा काट के रखा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अदरक और लहसुन को जो है कूट के इसका पेस्ट बना लिया था। जो हमारे पहले से बचे मसाले थे उसमें मैंने एक चम्मच जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरा पाउडर ऐड किया है। यहाँ पे मैं एक चम्मच जो है लूँगी काली मिर्च, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल स्पून है। यहाँ पे मैं एक टेबल स्पून जो है धनिया लूँगी, इसे भी हम अच्छे से डाल देंगे ताकि जो है हमारा फ्लेवर अच्छा आए। एक टेबल स्पून यहाँ पे मैंने सरसों लिया है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एक टेबल स्पून यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है,
एक टेबलस्पून यहाँ पे मैं जो है गरम मसाला लूँगी और इन सारी चीज़ों को जो है हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जो है हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो मैं जो है यहाँ पे अच्छे से जो है इसका मिक्स कर देती हूँ और मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। सूखे मसाले को कभी भी अपने सब्जी या फिर किसी भी चीज़ में ऐड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो है जल जाते हैं तो फिर उसका जो फ्लेवर है ना वो अच्छा नहीं आता है। तो किसी भी मसाले को आप ऐसे ही मिक्स करके इसमें पानी से मिक्स करिए, पहले घोल बनाइए, पेस्ट बनाइए, इसके बाद जो है आप उस सब्जी में ऐड करिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपका जो है सब्जी बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो है इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद जो है अच्छे से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अच्छे से जो है इसका एक पेस्ट बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से, यहाँ देख लीजिए अच्छे से जो पेस्ट बन के हमारा रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं जो है हमने जो प्याज को भूनने के लिए रखा था, हम देखते हैं हमारा प्याज जो है फ्राई हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो प्याज था वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसके अंदर के भी मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब जो है इसी को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। जो इसमें का बचा हुआ तेल था इसमें जो है मैंने जीरा यहाँ पर डाला हुआ है। जीरा डाल के जो है यहाँ पे हम अच्छे से, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा जो है मैंने मेथी का यूज किया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास साबुत मेथी है तो यूज कर लीजिए, नहीं है तो इसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ लाल मिर्च और जो तेज़पत्ता होता है उसे डाला है ताकि जो है इसका तड़का जो है हमें बिल्कुल अच्छे से लग सके। तो इसे बस 2 मिनट के लिए आप इसको ब्राउन होने तक भून लीजिए। इसके बाद जो अदरक लहसुन का पेस्ट था, मिर्च था, उसे हम यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से इसको चला लेना है और ये ब्राउन होने तक भूनना है। ये मेरा ब्राउन हो चुका है, मैंने यहाँ पे प्याज डाला है, जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था उसे मैंने यहाँ पे डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम बस 1 सेकेंड के लिए ढक के रखेंगे, इसके बाद जो है हम इसको देखेंगे कि ये जो है हमारा अच्छे से बन चुका है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है हमारा ब्राउन कलर का दिख रहा है, इसका मतलब जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैंने यहाँ पर जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो भी यहाँ पर डाल दिया है। इसे भी बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए हमें जो है इसको भी बस 1 सेकेंड के लिए ढकना है ताकि जो है इसका कुछ फ्लेवर जो है ऐसे ही बना रहे। ढकने से ये होता है कि जो इसका फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा निखर के आता है। तो यहाँ पे जो मैंने मसाला डाला था उसको भी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। डालने के बाद बिल्कुल ऐसे ही इसे अच्छे से मिक्स करके और इसे भी हमें ढक कर बस 5 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे ही भूनना है। इसे यहाँ पे बिल्कुल 5 मिनट के लिए आप भूनते रहिए इसको, इसके बाद से हम इसको ढक के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ढक के छोड़ दिया है। अब हम इसको निकाल के देखते हैं कि ये जो हमारा मसाला है वो भून चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बहुत अच्छे से ये जो है तेल को एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी तेल जो है इसके चारों तरफ से निकलने लगी है, यानी कि जो है मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। अब जो हमारा प्याज था उसे हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से जो है हमें मिक्स कर देना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नमक डालना है। नमक आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने पहले भरते समय भी नमक डाला था, इसीलिए बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ पे नमक आप यूज कीजिए। इसके बाद हमें पानी डालना है, जब तक इतना पानी डालना है हमें कि ये डूब जाए, और जितना आपको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितना आपको रखना है उतना रख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे बेसन का यूज किया है, यही सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। इसे हम ढक के छोड़ देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ, बिल्कुल अच्छा ये रेस्टोरेंट जैसा हमारा सब्जी जो है बन के रेडी हो चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा। मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।